नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल और आपका स्वागत है राहुल फार्मेसी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डी का मतलब क्या होता है, DSR का मतलब क्या होता है, L का मतलब क्या होता है, LS का मतलब क्या होता है। ठीक है, आप लोग बार बार सर्च कर रहे हैं कि सर ये सब ये DSR LSH का मतलब क्या होता है सर। ठीक है, तो इसके बारे में बताएंगे, हम पूरी जानकारी आपको देंगे। देखो, डी का मतलब होता है जो कि कैप्सूल आता है ओमिजडी के नाम से, ओमिजडी ओमिप्राजोल डोमपरीडोन कैप्सूल होता है। ठीक है, इसको डी लिखते हैं, ओमिज को हम लोग बोलते हैं ओमिजडी। ठीक है, तो डी का मतलब होता है ओमिप्राजोल डोमपरीडोन। ठीक है, जिस डी का मतलब डोमपरीडोन हो गया। ठीक है, अब आता है DSR का मतलब क्या होता है। तो DSR का मतलब ये होता है कि जिसमें डोमपरीडोन भी हो और प्रोपेनोलेज्ड रिलीज भी हो। ठीक है, और लेस करके कैप्सूल हो, उसको हम लोग DSR बोलते हैं। जैसे कि पेंटॉप DSR आता है, इसको हम लोग DSR का मतलब होता है, पेंटॉप DSR का मतलब होता है। पेंटॉप का तो मतलब हो गया पेंटोप्राजोल सोडियम गैस्ट्रो हो गया, लेकिन डी होता है डोमपरीडोन और एस होता है सोडियम, आर होता है रिल्स का एस। ठीक है, जो कि मतलब एसिडिटी में दी जाती है और अच्छा रिस्पांस इसका मिलता है। ठीक है, एल का मतलब होता है कि जो है जिसमें लिबोसुलप्राइड हो, का मतलब जैसे कि रेबल्टी एल करके कैप्सूल आता है, टेबलेट भी आती है लूपिन कंपनी की, जो कि पेटेंट होती है। ओमेजी एल्किम की होती है, अरिस्टो की होती है, पेंटॉप DSR लूपिन की है, रोबेल्ट एल। ठीक है, तो एल का मतलब होता है लिबोसुलप्राइड। आपको जानकारी मिल गई होगी, अब आप कोई मेडिसिन पे देखें, उस पर लिखा होगा एल, तो उसके मतलब आप समझ सकते हैं कि लिबोसुलप्राइड जो कि इंटेस्टाइन में जो एसिडिटी होती है उसको ठीक करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, अब LS का मतलब क्या है कि आप लोग पूछते हैं कि सर LS का मतलब क्या, साथ में LS क्यों लिखते हैं। LS का मतलब होता है कि जो लिबोसुलप्राइड SR कैप्सूल। ठीक है, प्रोप्राजोल EC लिबोसुलप्राइड। ठीक है, इसको भी हम लोग यूज करते हैं एसिडिटी को ठीक करने के लिए। तो ये 4-5 तरह से आते हैं, बट ये होते भी हैं अलग अलग कम्बिनेशन के, क्योंकि L का मतलब लिबोसुलप्राइड हो गया, D का मतलब हो गया डोमपरीडोन। ठीक है, और DSR का मतलब बता दिया रिलैक्स करके, प्रोपेनोलेज करके होता है। तो ये होता है 1, 2, 3, 4 तरह की मेडिसिनें हुई जिन पे अलग अलग नाम लिखा रहता है, डी लिखा रहता है, DSR, L, LS करके। ठीक है, तो ये सब एसिडिटी के अकॉर्डिंग आती हैं, तो इनको आप लेकर के यूज कर सकते हैं जिस तरह आपके डॉक्टर बताएं। मेरा मकसद था आपको जानकारी देने के लिए कि L का मतलब क्या होता है, D का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा, जिसमें D होता है ओडोमपरीडोन होता है, LS का मतलब होता है लिबोसुलप्राइड, DSR का मतलब होता है ओडोमपरीडोन प्रॉब्लम। ठीक है, तो आई होप यू, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो जानकारी इन्फॉर्मेशन लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।